भारत चीन सीमा पर तैनात डॉक्टर सोल्जर्स 21,000 फीट जहां सांस लेने जितनी ऑक्सीजन भी नहीं, सैनिक को इंजेक्शन देने दवाई निकालती हैं तो बर्फ बन चुकी होती है। -50 डिग्री में पानी ही नहीं, नसों में खून तक जम जाता है। घुटने तक बर्फ के बीच घंटों तैनात रहते पैर जम जाते हैं। जब मोजे निकालते हैं तो उंगलियों की पोरें साथ निकल आती है। हाई एल्टीट्यूड पर सिरदर्द भी हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जितना खतरनाक हो सकता है। यहाँ बर्फ और माइनस में तापमान किसी भी पड़ोसी मुल्क से ज्यादा बड़ा दुश्मन होता है। डॉक्टर कात्यायनी लद्दाख में ITBP की डॉक्टर हैं। कहती हैं कई बार जब वो अपने सैनिकों को इंजेक्शन देने के लिए दवाई बाहर निकालती हैं तो वो बर्फ बन चुकी होती है। सरहद पर जब ITBP के जवान पेट्रोलिंग पर जाते हैं तो उनकी सेहत डॉक्टर कात्यायनी के जिम्मे होती है। -50 डिग्री तापमान के बीच जब ये सैनिक फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात होते हैं तो स्नो ब्लाइंडनेस के शिकार हो जाते हैं। घुटने तक बर्फ के बीच घंटों तैनात रहते रहते इनके पैर जम जाते हैं और जब मोजे बाहर निकालते हैं तो उनकी उंगलियों की पोरें भी साथ निकल आती है। -50 डिग्री तापमान में सिर्फ पानी ही नहीं, नसों में बहने वाला खून तक जम जाता था। खून अचानक गाढ़ा होने लगता है जो जानलेवा तक साबित हो सकता है। सिरदर्द भी हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जितना खतरनाक हो सकता है। जब बर्फ और माइनस में तापमान पड़ोसी मुल्क से ज्यादा बड़ा दुश्मन हो तब वहाँ उनके लिए न सिर्फ सेहत बल्कि हौसला जुटाने का काम करती है ITBP की मेडिकल टीम। यूं तो मेडिकल टीम और डॉक्टर्स हमेशा हमारे सैनिकों के साथ सरहद पर तैनात रहते हैं। कहा भी जाता है कि जब एक घायल या बीमार सैनिक डॉक्टर के पास सांस चलते हुए पहुंच जाता है तो फिर वह बिना इलाज के भी ठीक हो जाता है। यूनिफॉर्म पहनने वाले इन डॉक्टर्स की बात ही कुछ खास है। यह पहला मौका है जब ITBP ने लद्दाख में अपनी फीमेल डॉक्टर्स को सरहद पर तैनात किया है। डॉक्टर अंगमो 2018 में अपना पहला जॉब जम्मू में करने के बाद लद्दाख आई थी। वो डॉक्टर कात्यायनी की टीम का ही हिस्सा है। कहती हैं वो लद्दाखी हैं, इसलिए उनके लिए यहाँ रहना आसान है, वरना बाहर से आए डॉक्टर्स के लिए तो बड़ी चुनौती खुद को सेहतमंद बनाए रखना भी होता है। फोर्स के इन डॉक्टर्स की जिम्मेदारी अपने सैनिकों को हाई एल्टीट्यूड से जुड़ी बीमारियों, ब्रेन स्ट्रोक, कार्डियक अरेस्ट से बचाने की होती है। बाकायदा जिसके लिए लेह पहुंचते ही 4 स्टेज का मेडिकल चेकअप भी होता है। इन दिनों तो कोविड के प्रोटोकॉल भी उसमें जुड़ गए हैं। डॉक्टर कात्यायनी कहती हैं कि जवानों को कैसी भी दिक्कत हो हम तुरंत उनका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, हीमोग्लोबिन भी, और इन दिनों हम कोरोना के कड़े से कड़े प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। 14 दिन के क्वारंटाइन के अलावा भी हमारी जांच बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है। अकेले ITBP में लद्दाख में 100 पॉजिटिव केस मिल चुके हैं और वो नहीं चाहती हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही बरती जाए, क्योंकि यहाँ हाई एल्टीट्यूड पर एक छोटी सी बीमारी भी जानलेवा हो सकती है। पूरे लद्दाख में ITBP में सिर्फ 3 फीमेल डॉक्टर्स हैं, जिसमें डॉक्टर कात्यायनी, डॉक्टर अंगमो के अलावा डॉक्टर रोहिणी हमपोल भी शामिल है। रोहिणी के लिए फॉरवर्ड पोस्ट पर ड्यूटी कोई नई बात नहीं है, लेकिन लद्दाख में ये पहली बार ही है। डॉक्टर रोहिणी कहती हैं कभी अचानक हमें देर रात खबर मिलती है कि पोस्ट पर किसी जवान की तबीयत खराब है। दिन का वक्त हो तो हेलीकॉप्टर का ऑप्शन होता है, लेकिन रात को सड़क से ही हम उस मरीज तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। आधे रास्ते मरीज को लाया जाता है और आधे रास्ते हम जाते हैं ताकि जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। कई बार सैनिकों की जान बचाने के लिए 1 मिनट भी बहुत जरूरी हो जाता है। जवान को पोस्ट पर हार्ट अटैक आया, उम्र 56 थी, उस पर कोरोना पॉजिटिव। डॉक्टर कात्यायनी कहती हैं कोरोना ने हमारी हाई एल्टीट्यूड की चुनौतियों को और ज्यादा बढ़ा दिया। अभी पिछले अप्रैल की बात है, हमें खबर मिली कि हमारे एक जवान को हार्ट अटैक हुआ है। उनकी उम्र 56 साल थी। चुनौती सिर्फ यही 2 नहीं थी, वो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट भी थे।
हम उन्हें ले के सरकारी हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहते थे, वहाँ वेंटिलेटर और बेहतर सुविधाएं हैं, लेकिन किन्हीं वजहों से ऐसा नहीं हो पाया। पूरी रात हमने उन्हें लाइफ सेविंग ड्रग की बदौलत बचाए रखा। हर 15 मिनट में मैं खुद या मेरी टीम का कोई डॉक्टर उस पेशेंट को देखने जाता रहा। सुबह होते ही उन्हें आइसोलेशन पॉट में एयरलिफ्ट कर चंडीगढ़ PGI भेज दिया। डॉक्टर कहती हैं, जब मरीज का शरीर हाई एल्टीट्यूड पर दवाइयों को लेकर रिस्पॉन्ड नहीं करता या फिर उसे बेहतर ट्रीटमेंट की जरूरत होती है तो उन्हें एयरलिफ्ट कर दिल्ली या चंडीगढ़ भेजना होता है। लेह जैसे इलाकों में जहां गोलियों से ज्यादा खतरनाक जवानों के लिए हाई एल्टीट्यूड की दिक्कतें हैं, वहां डॉक्टर कात्यायनी की टीम के जिम्मे हर साल 300 से ज्यादा सैनिकों को एयरलिफ्ट होने तक बचाए रखना होता है। वो कहती हैं, ज्यादातर इमरजेंसी में ही सोल्जर उनके पास पहुंचते हैं और तब तक हेलीकॉप्टर या फ्लाइट के उड़ान का वक्त निकल चुका होता है। फिर पूरी रात वो और उनकी टीम सिर्फ इसी संघर्ष में लगे होते हैं कि वह उस जवान को सांस चलते सुरक्षित नीचे पहुंचा दें। उनके मुताबिक जब कोई जवान यहां पहुंचता है तो हमें उसका मेडिकल चेकअप कर ये पता करना होता है कि वो पूरे एक साल हाई एल्टीट्यूड में सर्वाइव कर पाएगा या नहीं। लेह बेस कैंप पर पूरे देश से आने वाले जवानों का मेडिकल चेकअप की जिम्मेदारी भी उन्हीं की टीम की है। डॉक्टर कात्यायनी बताती हैं, जब जवान लंबी दूरी की पेट्रोलिंग पर जाते हैं तो हम उनके सकुशल लौटने का इंतजार करते हैं, ये सोचते हुए कि सभी स्वस्थ ही लौटेंगे। डॉक्टर कात्यायनी सेकंड इन कमांड है और ये उनकी 7वीं पोस्टिंग है, लेकिन शायद अब तक की सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण। वो खुद हरियाणा की रहने वाली हैं और यूनिफॉर्म को लेकर उनकी दीवानगी ने ही उन्हें डॉक्टर बनने के बाद फौज में लेकर आई। ITBP ने लद्दाख में चीन से सटी सीमा पर महिला जवानों की तैनाती भी की है। डॉक्टर कात्यायनी कहती हैं, फोर्स में महिला और पुरुष जवानों के बीच कोई भेदभाव नहीं होता, दोनों ही सैनिक होते हैं, दोनों की ही कॉम्बैट ट्रेनिंग होती है, दोनों के लिए ही फिजिकल फिटनेस जरूरी होती है। यही नहीं, बतौर महिला डॉक्टर उन्हें भी हर 6 महीने में फिजिकल टेस्ट देना होता है, जिसमें 3.2 किलोमीटर की दौड़, रॉक क्लाइंबिंग, जंप, फायरिंग सब कुछ शामिल होता है, तभी जाकर वो डॉक्टर सोल्जर बन पाती हैं।